सबको दिल से प्यारी अम्मी, अस्सलामुअलैकुम। मैं खैर खैरियत से ढाका पहुंच गया हूं। आपकी दुआओं की बदौलत सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। क्या बताऊं आपको बंगाल के बारे में, जहां तक देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। इत्तेफाक से सलाउद्दीन और कबीर की पोस्टिंग मेरे साथ ही हुई है। हम तीनों का यहां ऑफिसर्स मेस में ही बंदोबस्त किया गया है। सिद्दीक यहां पहले से ही पोस्टेड है। आज वो हमें धान मंडी मार्केट का चक्कर लगवा कर लाया। ऐसा लगा कराची सदर में फिर रहा हूं। कल मेरी कर्नल साहब के साथ मीटिंग है। आप बस दुआ करती रहें सब अच्छा रहे। घर में सबको ढेर सारा प्यार। आपका नालायक बेटा। सब अपने खाना खा लिया? क्यों, मैं क्लोज तो नहीं हो गया? सब आपके लिए रेडी करवा देता बोले तो। कहाँ से हो? खुलना से। सब वहां पर सैलाब के क्या हालात हैं? बहुत बुरा सूरत हाल है। सब सब सारा गांव एकदम बह गया, खाली एक दो घर बसा। और तुम्हारे घर वाले? सब वार्निंग पहले आ गया तो दो दिन पहले निकाल दिया उनको उधर से। जब पहले वार्निंग आ गई थी तो हालात ऐसे खराब क्यों हो गए? सभी सियासी लोग का भी अपना खेल है। बोला वार्निंग नहीं जाने देगा आगे, तो फिर ऐसा हो गया। ओए फरुख भाई, ये हमने अपनी विशलिस्ट बना ली है पोस्टिंग की, तो अपनी तो खुद ही बना ले। कोई जगह छोड़ी भी है? हाँ ना, क्यों नहीं छोड़ी, डीजी के बहुत पास। क्या बकवास कर रहे हैं यार। कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यार। तारुण सर, आपको कर्नल साहब बुला रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैप्टन फारूक रिपोर्टिंग सर। सिट डाउन। तुमने कोई चॉइस नहीं दी पोस्टिंग की? सर, परफॉर्मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन प्लेस। आप मुझे जहां भी भेजेंगे आई वॉन्ट डिसअपॉइंट यू। अब तक कैसा लगा है तुम्हें? कहां पर सर? ऑब्वियसली इन ढाका। सर, इन माय ओपिनियन इट्स लाइक लव विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एंड हाउ मच इज द सॉल्ट? सर, जब हम वेस्ट में थे तो लगता था सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यहां पे हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। हाउ डिड यू कम टू दिस? इंस्टिंक्ट। एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे सर, वो हमें देख के खुश नहीं थे। उनके चेहरों के तासुरात ये बता रहे थे, सिवाय उसके जिसने मुझसे टिप लेनी थी, और शायद बाकियों को ये तवक्को नहीं थी। लेकिन सियासतदान तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या कहते हो? क्या सैलाब ने ग्राउंड रियलिटीज को बदल दिया? सर, साइक्लोन हैज ओनली सर्वड एज अ कैटलिस्ट। थिंग्स वर ब्रूइंग इवन बिफोर। मेरे बारे में क्या ख्याल है? जी सर, मैंने तुमसे अपने बारे में तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पूछी है। सर, मैं तो आज आपसे पहली दफा मिला हूं। Okay, let me rephrase the question. What is your first impression? Sir, I think you are a very straightforward person. Discipline pe compromise nahi karte. Log kehte hain ki aap bahut sakht hain. But I think you enjoy your repute. And I don't like people with too much opinions. मुझे वो रहमान के 6 points के बारे में पता है? जी सर। क्या है? सर, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन डायरेक्टोरियल फ्रेंचाइज। फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बजट। शट अप, मैंने सबक नहीं सुनना है। टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। सर, दे लुक लाइक सपोर्टिंग एंटी इंटीग्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। मैं तुम्हें इंटेलिजेंस में पोस्ट कर रहा हूं ओनली बिकॉज ऑफ योर कीन ऑब्जर्वेशन एंड रटलाइजेशन। सर, ये बहुत सेंसिटिव पोस्ट है। आई वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट। आई विल गिव माई बेस्ट सर। ये यहाँ की इंटेल रिपोर्ट्स हैं। यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ रियलिटी आफ्टर स्टार्टिंग देम। सर, गुड लक। तारीख समय का आईना होती है, कुछ भी नहीं छुपाती। बंगाल के लोगों के साथ समय ने हमेशा ज्यादती की। इसके रूलर्स ने इसके रिसोर्सेस और इसके लोगों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। 1943-1944 में आने वाला कहत, जिससे 3 million बंगाली मर गए, उसकी वजह कोई कुदरती आफत नहीं थी। उसकी वजह थे ब्रिटिश रूलर्स, जिन्होंने बंगाल का सारा चावल, सारी गंदम मिडल ईस्ट और यूरोप में एक्सपोर्ट कर दी। एंड देन द स्टेटमेंट ऑफ देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज दैट द फेमिन वॉज देयर ओन फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। बंगाल का तारीख आज ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। इसका हक, सारा अधिकार एक्सपोर्ट हो गया है। सो प्लीज, पाकिस्तान को बने वक्त ही कितना हुआ है? 1947 से 1961 तक, ये वो साल हैं जिसमें पाकिस्तान वॉज कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ। यू आर राइट, पर तुम्हें नहीं लगता कि कंसोलिडेशन के दौरान तराजू एक तरफ झुक गया है? I think it will be a premature judgment, sir. How come? कुछ चीजें हम शायद इग्नोर कर देते हैं।
बंगाल में तो सिर्फ बिहारी आए थे और इतने ज्यादा नहीं, पंजाब की तरफ तो मैस माइग्रेशन हुई थी और उतनी ही कत्लो गारत भी। और कराची में तो इतनी माइग्रेशन हुई थी कि वहां के रहने वाले सिंधी माइनॉरिटी बन गए थे। बंगाल हैज बीन पीसफुल सर। हिस्ट्री ऑलवेज इवॉल्व सोनिया, ऑलवेज सी इट इन टुडेज पर्सपेक्टिव। रूमी इज हियर। रूमी आपसे कोई बात करना चाहता है। दोस्तों, हमरा एक मकसद के लिए, अपना दर हकूक के लिए हमारे आवाज हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। ये अवामी लीग के मेंबरशिप फॉर्म्स हैं। हौस वालों ने हमें खोने से लगा दिया है। ये देश हम आजाद किया, मजा वो उड़ा रहे हैं। अवामी लीग अवाम को उसका अधिकार दिलाने के लिए निकल आया है। आप लोग फॉर्म पे साइन करो। ये पुरहोशरा है, आजादी के बाद भी हो जाएगा। मगर मैं तो पहले इसका मेंबर हूं। तो एक बार फिर से बन जाओ। ये कौन सी आजादी की बात हो रही है? की मतलब तोर? मुल्क बन चुका है और उसका नाम पाकिस्तान है। मुल्क एक बार बनता बार बार नहीं। और ये किस किस्म की लिबरेशन है? रिमेंबर, नो बडी विल लिबरेट यू, यू हैव टू लिबरेट योरसेल्फ। राइट। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज प्लीज। सब की छिलो क्या कर रही हो? जो भी करे अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करे। ये तुम्हारी सोच है। बिल्कुल, मेरे सोच मुल्क को बांटने की बात नहीं करती। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी? हाँ, कोई चॉइस दे रहे हो तुम लोग? देखो रूमी, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं तुम्हारी सोच को नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हें भी मेरी सोच पे पहरेदार बन के नहीं बैठना चाहिए। मुल्क ना एक दिन में बनते हैं और ना एक दिन में अपने पैरों पर खड़े होते हैं। I agree. See China, हमसे एक साल बाद आजाद हुआ है, उनका प्रोग्रेस देखो। देख रहे, तुम भी ना किसी और का एजेंडा कहीं और डालना बंद करो। मैं किसी का एजेंडा फॉलो नहीं कर रहा। लगता तो यही है। गलत लगता है। बहरहाल मुझे इस मेंबरशिप के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी बाय चॉइस होती है, बाय फोर्स नहीं। सोनिया, सावन की जो लगी झड़ी, देखो ना, सावन की जो लगी झड़ी, देखो ना, रिम जिम बरसेगा सावन, देखो 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 ना, रिम जिम बरसेगा सावन, देखो 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 ना, फूल खिलेंगे बगिया में और गाएगी मैना, हाय रे मैना, रिम जिम बरसेगा सावन, देखो 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 ना, इस सावन ने ऐसे सुर छेड़े, मुस्काने हैं बिखेरे, बेपरवाह होके आहा हर कोई झूमे, देखो ना, बेपरवाह होके आहा हर कोई झूमे, देखो। इतनी जल्दी? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। सोचा था यूनिवर्सिटी जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पर तो मिल्स एंड बूंस पढ़ने बंद कर दे। फिक्शन और नॉन फिक्शन में बहुत फर्क होता है लड़की। हाँ, ऐसे तो सोचा होगा ना, परिस्तान से हीरो आएगा और उसकी जालिम मास्टर्स को निजात दिला देगा। आप दोनों मेरे पीछे पड़े क्यों रहते हैं? कह रही हूँ कि भी इतनी जल्दी आ गई हो और कुछ नहीं कह रही। अपनी मर्जी से नहीं आई, सब क्लासेस ऑफ हैं, पता नहीं इलेक्शंस कब खत्म होंगे, वहां पर रूमी और यहाँ पर ये लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेपरवाह होके यहाँ हर कोई झूमे, देखो ना, बेपरवाह होके यहाँ हर कोई झूमे, देखो ना,
रिमझिम बरसेगा सावन, देखो 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 ना, इस बगिया में फूल खिलेंगे, मैं ना भी गाएंगे। वैसे मौसा अपनी जगह और बच्चों के लेते और तुम्हें इसे अपना करियर बनाना चाहिए। तुम ही वही भी ये कहते। बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्लाइमेट एटली नहीं, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, फार्मिन वाज देयर ओन फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। कहा सही है वैसे। बुरी बात, तुम ही तो हिस्ट्री स्टूडेंट, किताबें पढ़ भी लिया करो कभी। इसे अपनी हिस्ट्री लिखनी है इसलिए पढ़ती नहीं है। तुम कभी पढ़ने का मौका तो दो, तुम्हारी कैंपेन्स की वजह से क्लासेस ही बंद रहती हैं। फिक्र ना करो, कुछ ही दिन में क्लासेस शॉप शुरू, प्रॉमिस। कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? कैद कब पढ़ा था? 1943 में, राइट? और अब क्या? ट्रू, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल उस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। तुम्हारे शेल ने कहा था, बंगाल में दो बड़े हादसे हुए थे, एक 1905 में और एक 1947 में। 1947 में तो बंगाल बचा था, तो फिर हादसा कैसा? नहीं, नेगेटिव बातें करने लग गई हो। ठीक है तो बोल लो, बड़ी हार्ड लाइनर बनती जा रही हो। फिर लफ्जों का हेर फेर, तुम्हें आज़ादी नामुकम्मल लगती है रूमी? आज़ादी नतीजों का नाम है, तुम देख नहीं रही हमारे साथ है क्या हो रहा है। अभी तो खाना ठंडा हो रहा है। बिल्कुल ठीक, देखो बड़ी हो गई हो, अपने खाने पीने पे ध्यान दो। यूं सूखी सड़ी लड़कियां लड़कों को नहीं पसंद। जब मैं तुम्हारे अब्बा को पहली बार मिली थी ना, याद है अनवार, मैंने क्या पहना हुआ था? अम्मा स्टॉप इट, नीली जॉर्जेट की साड़ी जेब तन की थी, हवा का झोंका चला, मेरा पल्लू अनवार के कदमों पे और बस क्या बना था फिर। बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो बंगाली नहीं कर रहे, इसको वैसे कोई खतरा नहीं है। ओके, तो फिर तुम्हारे ख्याल में ये सब कौन कर रहा है? वही जिसको हमारे टूटने का सबसे ज्यादा फायदा है और खुशी भी। मेरा ख्याल है कि ये डिस्कशन काफी सीरियस होता जा रहा, तो लेट्स एंजॉय आवर फूड। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या है? क्यों करती हो तुम ये ऐसा, हर चीज से अविश्वास? घसीट कर रास्ते पे लाने वालों से मुझे नफरत है। आमरा शुभाई तुम्हार तरह प्यार करता है इस माटी से, लेकिन तुम ही हमारी तरफ से आगे नहीं देख रही। तुम्हारी तरफ से सच मुख्तलिफ क्यों नजर आता है? वतन से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान आंखें बंद कर ले। बिल्कुल, मैं सिर्फ वो सच तलाश कर रहा हूं जिसकी वजह से ये मुल्क बना था, जिसके लिए ये मुल्क बना था, जहां शॉप को बराबर होना था। तुम्हें जो बिलीव करना है तुम करते रहो, कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस है मेरे नहीं, मुझे अपनी सोच पे मत शामिल करो। मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, अगर आज आमरा खड़े हो गए बांग्लादेश को बनने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ जाकर अपने गुंडे दोस्तों से कहो कि मैं वेस्ट पाकिस्तानी हूं, आकर मुझे मारे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है सोनिया, क्योंकि इनकलाब लाने वाले चेहरों का नहीं नजरियों का एहतराम करते हैं, और अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ तो उसकी वजह सिर्फ आमी हूं।
कबीर कबीर सो रहा था? नहीं, जंतरी देख रहा था। वो अद्धी राती बंदा होर की करता? सॉरी यार, मैंने टाइम नहीं देखा, तू सो जा। सो जा? वो नींद का कोई बटन नहीं होता ऑन ऑफ का, के ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। यार सिचुएशन बड़ी खराब है, बस तू ऐसा समझ हम किसी बॉम्ब पे बैठे हैं और वो फटने वाला है। सुबह डीजी को एप्लीकेशन दी भाई। वो तो मुंशीगंज गए हुए हैं। और सुबह डीजी को एप्लीकेशन देंगे तेरा रूम चेंज करवाएं। वो क्यों? कहीं यहां पर जिन है। यार कबीर, डीजी साहब ने मुझे कुछ फाइल्स दी हैं। ही वांटेड माय फीडबैक। ये रीजनल क्लैशेस नहीं है, रिवॉल्ट है, वो भी अपने फाइनल फेज में। चल लगा ले फिर शर्त, सुबह तक तेरी ये फाइलें तैयार नहीं होती। गुड नाइट सर। हाँ सब ठीक है? सब ऐसा मालूम पड़ता आपको नींद नहीं आया सब। कैप्टन कबीर कहाँ है? सब वो चला गया। मैंने सब आपके लिए नाश्ता बनाया, वो चाय खुद अपने हाथ से बनाया सब। नहीं 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 नहीं, ये मैं खुद करूंगा। और जब मैंने नाश्ता नहीं करना आज, ब्रीफिंग में मेरी, मैं ऑलरेडी लेट हूं। जी सब। बाहर कुछ हो तो नहीं रहा? जी सब, कुछ होएगा? कुछ नहीं। भाई साहब जल्दी चल। अस्सलाम वालेकुम सर। आर्मी गड्ढा का, बल्कि पूरे बंगाल में मुकम्मल कंट्रोल है सर। साइक्लोन के बाद का सूरत हाल काफी हद तक हमारा काबू में आ गया है सर। एंड आर्मी हैज प्लेड अ वाइटर रोल इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इलेक्शंस के हवाले से भी सर हम अपना रोड मैप बना चुका है। एंड ये थोड़ा बहुत जो लोग शोर मचा रहे हैं सर, ये सब सियासी वर्कर्स है सर, नॉट इवन वर्दी ऑफ कंसिडरेशन। इसमें मुकम्मल पीस एंड स्टेबिलिटी है सर। हाँ भी फरो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर मेरे ख्याल में बंगाली स्ट्रेस डेफिशिएंट का शिकार, और जो इंटर रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक हम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर। रॉ यहाँ पे कदम जमा चुकी सर। रॉ और मुक्ति बानी के लोग हमारे ही चेहरे पहन के हमारे ही खिलाफ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ढाका में जिंदगी नॉर्मल लगती है, लेकिन सर रिपोर्ट्स टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। चिट्टागांव सर, जहाँ ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का मेन सेंटर है, वहाँ सर बंगालियों की 4 बटालियंस हैं सर। वहाँ पे आए दिन बंगाली नॉन बंगाली उनके आपस में बहुत दंगे फसादात हो रहे हैं। इसी तरह सर कौमिला जेसू सर, वहाँ पे भी यही हालात है। सो सर इन माई ओपिनियन थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स रिवॉल्ट। डोंट जंप टू फार, लगता है इसे किसी लॉन्ग जंप रेस में हिस्सा लेना। चाप मुश्ती, किस खुशी में? अब आपका पोस्टिंग हुआ इस वास्ते। रिवायत है यहाँ का सर, जो भी नया ऑफिसर अपॉइंट होता ओमी उसको मिठाई में जहर मिला कर देता है। जी सर। अगर वो बच जाता तो मिठाई देने वाले को बख्शिश देता है, और अगर मर जाए तो? तो हमें इधर किस लिए है? क्यों भाई फनकारुद्दीन? सर आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? तुम्हारा हमारा मजाक है क्या?
सर आप लेना। हमको तो शुगर है बट रिपोर्ट के मुताबिक तुमको नहीं, बिस्मिल्ला करने का। पूरा खाने का। बंगाल के खालिश कोबरा नाक के जहर से बना मिट्ठू मिठाई खाते ही आंखें उबलना शुरू हो जाता, मुंह से झाग निकलने लगता है, दिमाग का नसें फट जाता है। इंस्टेंट डेथ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको कर्नल साहब बुला रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैप्टन फारूक रिपोर्टिंग सर। व्हाट द हेल वाज दैट? सॉरी सर, कोई गलती होगी सर। इस वक्त ईपीआर में 3000 लोग हैं और उनमें से 161 नॉन बंगालीज। सर इंसान को अपनी पोजीशन और कमजोरी का पता होना चाहिए, हमें इसी तरह लड़ना है, एक एक सांस बहुत फूंक फूंक कर लेना है। हम एक नामालूम और मालूम दुश्मन दोनों के साथ लड़ रहे हैं और वो दुश्मन सिर्फ यहां नहीं है। मैं समझता हूं सर। समझते तो इस तरह खुल के सबके सामने ना कहते। यू रियली नीड टू रिकंसिडर योर चॉइस ऑफ प्रोफेशन। सॉरी सर, आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। जॉब की ब्रीफिंग और दूं या काफी है? नो सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा सर। There will be no next time. You will simply be kicked out. अब काम की बात करते हैं। सर आई एम ऑलरेडी ऑन इट। मैं कई जगहों पर गया हूँ, कई लोगों से मिला हूँ सर, कुछ दोस्त भी बनाए। वो कहते हैं ना मोहब्बत एतमाद का लेन देन है, सो आई थिंक दे नीड अ ट्रस्ट। वॉट बुलशिट, वॉट बुलशिट। तुम्हारा असाइनमेंट शक से शुरू होता है, मोहब्बत से नहीं। लेकिन सर हम मोहब्बत से उनका एतमाद हासिल करेंगे। आई डोंट नीड अ फिलोसोफर, गेट लॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। Be careful, Faraba. Sir. Idiot. गाजर, एक मूली, एक टमाटर, एक हीरो। थिएटर हॉल कहां पर है? थिएटर हॉल तो एक्टिंग कर जी। वे इज द थिएटर हॉल? दिस वे। थैंक यू। आप स्टेयर्स। ओके थैंक यू। थर्ड राइट देन फोर्थ लेफ्ट।
देन फिफ्थ राइट। शाला पाकिस्तानी खानकीर। खुद से है वादा ना रुकेंगे कदम, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम, है रास्ते कठिन पाँव में है चालों की। आप क्या कर रहे हैं? सॉरी वो मैं आप रास्ता ढूंढते हुए यहां पे आ गया। आप लेकिन शायद गलत जगह पे नहीं आए। फंक्शन फ्रंट स्टेज पे है, यहां नहीं। जी जी लेकिन यार फंक्शन बैक स्टेज पर इस्तार होता। बाय द वे आप बहुत अच्छा गाती हैं। I mean it. Shonia, tumhari entry. I know you will steal the show. Kya? I know you will steal the show. चाहे कितनी भी मुश्किलों में है घिरा, दर्द से भरा है हिम्मतों से दिल जुड़ा, घुट घुट के ना मरेंगे मुश्किल से ना डरेंगे, सर उठा के हम तो जिएंगे यूं ही सदा, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम, से है वादा ना रुकेंगे कदम, हार से है लड़ना जीत के है बढ़ना, लड़ जाएंगे तूफानों से हम। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। किसी भी मुल्क के एक इलाका में तमाम तर वसाइल दौलत और इम्कानात का इकट्ठा हो जाने का मतलब है कि उसी मुल्क के बाकी इलाका में गुर्बत गुलामी मायूसी और बेबसी का इकट्ठा हो जाना, और ऐसे में कोई दूसरा ही आपको हाथ पकड़ के चलाता है। खामोशी जुल्म है। निजर हक के लिए उठना, निजर हक के लिए आवाज उठाना जुर्म नहीं बल्कि फर्ज है और जिंदा कौमों की निशानी है। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के पहले दिन से ही बंगला कौम में शातिर जातियां की गई, लेकिन अब अमादेर उठना होगा, अमादेर आवाज को बुलंद करना होगा, अमादेर नींद को तोड़ना होगा,
और नेजर हॉक को हासिल करना होगा। तो बताओ बताओ क्या करोगे? 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 करोगे?